हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कनेक्ट हॉटस्पॉट विद एनी अदर डिवाइस इन शाओमी मोबाइल। तो फ्रेंड्स, आप अपने रेडमी के मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे डिवाइस के, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना क्या, मेरा यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मैं हॉटस्पॉट इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हॉटस्पॉट इनेबल कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट इनेबल कर दिया, इसके बाद मैं इसे रखता हूँ साइड में। रखने के बाद फ्रेंड्स, करना क्या है, मोबाइल की सेटिंग में क्लिक करते हैं। हम अपने शाओमी मोबाइल के जैसे सेटिंग के अंदर आएंगे तो वाईफाई पे क्लिक करेंगे, और जो कि मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स, करना क्या, जो भी मैंने अभी हॉटस्पॉट इनेबल किया है यहाँ पे एमडीकिंग करके शो हो चुका है, क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसका सही सही पासवर्ड डाल देता हूँ और कनेक्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे सेव देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट हो चुका है, जो कि फ्रेंड्स मेरे इस वाले दूसरे वाले डिवाइस के अंदर यहाँ पे वन डिवाइस कनेक्टेड शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे डिवाइस के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।